हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बेहद ही आपके लिए खास सूचना लेकर आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आज कुछ खास सूचना लेकर आया हूँ जो अप्रेंटिसशिप के लिए जो रिक्वायरमेंट निकली है अभी लेटेस्ट में, मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में निकली हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो फ्रेंड मैं इसके आपको फुल इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको इस वीडियो में, आप बने रहिए इस वीडियो में, देखते रहिए पूरी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। तो फ्रेंड हम बात करते हैं आज मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत कंपनी में अप्रेंटिसशिप ट्रेड की रिक्वायरमेंट निकली 2018, जिसकी एप्लीकेशन अप्लाई फिल करने की डेट आ चुकी है इसकी। ये रिक्वायरमेंट 1/10/2018 को निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो फ्रेंड इसकी लास्ट डेट आपकी 31/10/2018 है इसकी। तो फ्रेंड और इसमें सबसे अच्छी सूचना इसमें आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन जो फीस जो चार्ज लगा जाता है वो आपके लिए इसमें निःशुल्क है। ये जनरल ओबीसी और एसटीएससी के लिए ये कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इसमें, नो एप्लीकेशन फ़ीस, आल कैटेगरी फ्री, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा फ्रेंड। तो टोटल वैकेंसी जो पोस्ट निकली हुई है इसमें 973 पोस्ट निकली हुई है फ्रेंड सभी ट्रेडों के मिलाकर। तो हम बात करेंगे आज इसमें पोस्ट जो नए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए, स्टूडेंट को लिए इसमें 684 पोस्ट निकली हुई है, और मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 पोस्ट, और कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 255 पोस्ट इसमें निकली हुई है, और स्टेनो इंग्लिश और हिंदी स्टेनो के लिए इसमें 6 और 19 पोस्ट निकली हुई है। और फ्रेंड एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 तक की आयु वाले व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन इसमें 10th प्लस ITI 62 मंगा हुआ है। NCVT और SCVT दो ही आप भर सकते हो। तो वैकेंसी डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ, ऑफिस नेम में इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप इसमें पोस्ट निकाली गई है। इसमें अलग अलग ट्रेडों को इलेक्ट्रीशियन, कोपा, स्टेनो, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल। तो जैसे कि इसमें ऑफिस नेम लिखा हुआ AMD ऑफिस, और उसके बाद भोपाल ऑफिस, सिटी सर्कल भोपाल, OIDM सर्कल भोपाल, और रायसेन, सीओर, और जिसके बाद दिया हुआ विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, राजगढ़, ग्वालियर, सिटी सर्कल ग्वालियर, इसके बाद ये और भी शिवपुर, बिना सिहोरी, इसमें इस तरह के मेन्यू दिया गया है। इसमें अलग अलग ट्रेडों के हिसाब से अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों मैं इसका आपको फुल नोटिफिकेशन में आपको बताऊंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से देख ले, उसके बाद ही आप इसे अप्लाई करें। तो इसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसको मैं टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है फ्रेंड। तो ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो ये ट्रेड अप्रेंटिसशिप 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप करा जाएगी आपको ट्रेनिंग, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसको आप जूम कर लीजिए फिर उसके बाद। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसमें पोस्ट बताई गई है। तो इसे आप ऑनलाइन आवेदन हेतु इसकी वेबसाइट पर आप इसे जाके आपका रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें नोटिफिकेशन में इसकी लास्ट डेट 1700 हो रही है, 17/10, तो इसकी लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें फ्रेंड, आप तुरंत इसको आप फिल कर दे और आप भर दे। और मैं आपको नीचे उसकी और जानकारी में बता देता हूँ उसमें, ये ऑफिस नेम जैसे कि मैंने आपको बताया था, अलग अलग ट्रेडों के हिसाब से पोस्ट इसमें बताई गई है, तो जिस हिसाब से आप इसे भर सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया मैं बताता हूँ, चयनित प्रक्रिया जिसके किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा इसमें। तो फ्रेंड इसमें मेरिट के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा, और जिसका प्राप्तक अंक प्रतिशत जो अधिक है मेरिट के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा, और सामान्य अंक से अधिक आयु वाले उनके लिए भी इसमें दिया हुआ, उसके हिसाब से भी इसमें आपको सिलेक्शन मेरे वेटिंग लिस्ट के आधार पर लिया जाएगा। जैसा कि इसमें दिया हुआ है ITI NCVT 70% न्यूनतम वेतन के हिसाब से मिलेगा। इसमें वेतन के हिसाब से आपको इसमें 8,232
आपके ट्रेनिंग संबंधित आपको सैलरी मिलेगी इसमें, और इसमें आपको ये बता दिया जाएगा भत्ता या लाभ किसी प्रकार का आपको दिया नहीं जाएगा इसमें। और मैं आपको इसको बता देता हूँ किस तरह से आप इसका आवेदन फिल करें। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसका पंजीन अनिवार्य है, पंजीन करवाएं इसका रजिस्ट्रेशन जो है, इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाएं। फिर उसके बाद इसको आपको फिर उसके बाद आपको लॉगिन और पासवर्ड आईडी दिया जाएगा, जिसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हो। फिर उसको लॉगिन करके तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो फ्रेंड। और भी अधिक जानकारी कुछ भी छूट गई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ ले फ्रेंड। और आपको एडिट की प्रोफाइल जाकर से भर कर सकते हो, और वो भी बता दूंगा किस तरह से इसका अप्लाई करें। तो दोस्तों मैं आपको अब इस वीडियो में बता देता हूँ किस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और किस तरह से। जैसे कि फ्रेंड सबसे पहले इसमें अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है, जैसे कि इस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप, यहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने पूछा है पर्सनल डिटेल्स आपकी, तो आप कैंडिडेट टाइप्स आप ना इसमें ले सकते हैं, जैसे आप ITI पास आउट है या अदर कुछ करा हुआ है आपने, या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास से आपने कुछ करा हुआ है, तो उसके आप इसमें भर फिल कर सकते हो। जैसे इस तरह दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी हुई इसमें, और उसके बाद इसमें नीचे मंगा हुआ है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगी हुई है। और उसके बाद आपका इसमें पूछा गया है रजिस्ट्रेशन में क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी गई है इसमें, और उसके बाद फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, और फिर इसके बाद आप ट्रेड परफॉर्मेंस, आप किस किस हिसाब से आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो उसमें तीन चीज़ दी गई है, तीन चीज़ का आपके आप सिलेक्शन होगा आपका, तो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेड संबंधित आपका जो ट्रेड है उस हिसाब से आप अपना कोर्स चूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, ये जिस हिसाब से आप 24 मंथ 15 मंथ अलग अलग दिए हुए हैं इसमें, तो जिस हिसाब से आपने जिस हिसाब से ITI टेस्ट करी हुई उस हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है फ़ोटो और सिग्नेचर आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, उसके साइज़ के हिसाब से इसमें GPG फॉर्मेट में मंगा हुआ है 200 KB। और इसके बाद फिर आप डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स मंगा, जैसे कि आप इसमें आधार कार्ड भी कर सकते हो, या फिर आपका पैन कार्ड या वोटर ID जगह जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर मार्कशीट 10th की मार्कशीट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्लिक करके फिर से सबमिट कर दे, तो आपको यूज़र नेम, यूज़र ID और एक पासवर्ड भी दिया जाएगा, उस यूज़र ID पासवर्ड से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, या आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस तरह से। तो मैं आपको इसमें अब लॉगिन करके भी बता देता हूँ फ्रेंड। इस ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज ओपन होगा, NCVT MIS। तो यहाँ पर मैं पूछा हुआ इसमें लॉगिन ID और पासवर्ड पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन ID और पासवर्ड दिया जाएगा। इस तरह से आप इसमें फिल करके आप इसे लॉगिन करके आपको इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आपके लिए बेहद ही खास योजना है ये फ्रेंड, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं मैं आपको। तो और भी कुछ डाउट हो फ्रेंड तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट कुछ छूट गया हो मेरे साथ तो आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड इसको ये मौका छोड़े नहीं आप, और लास्ट डेट की का इंतज़ार न करें, और जाके इसको पहले ही आप इसे फिल कर दे। जैसे कि इसके एग्ज़ाम का कुछ दिया हुआ नहीं है इसमें, और ना ही एडमिट कार्ड का दिया हुआ है कुछ, तो इसमें मेरिट के हिसाब से शायद इसमें सिलेक्शन होगा इसमें, जिस तरह से इसमें नोटिफिकेशन बताया गया है नोटिफिकेशन में। वो सबसे अच्छी बात, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इसमें, जनरल OBC और ST आल कैटेगरी के लिए फ्री है बिल्कुल। तो आप इसे जल्दी से जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसे भर दें। तो दोस्तों आज की हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, ताकि इस तरह और मेरे नोटिफिकेशन इस तरह की वीडियो के जो भी बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और हमारी वीडियो मिलती रहे, इंफॉर्मेशन मिलती रहे फ्रेंड आपको। तो बेल आइकन बटन जरूर दबाएं फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड, चलते हैं।